नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो इस वक्त भोपाल से मिल रही है। भोपाल में कोरोना के 45 नए और मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 26 जो मरीज हैं वो सिर्फ जहांगीराबाद क्षेत्र के बताए जाते हैं और इस क्षेत्र से 7 साल की बच्ची और उसकी माँ की भी जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। साकेत नगर के परिवार के एक परिवार के 4 लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मंगलवार और ऐशबाग से भी मरीज सामने आए हैं। दुर्गेश गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुर्गेश, शहर शहर कोरोना का कहर और 45 और नए मरीज सिर्फ भोपाल से आज फिर सामने आ गए। बिल्कुल रश्क, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है वह पल दूर नहीं जहां पर अब राजधानी भोपाल में यह तादाद हजारों में हो जाएगी। कुल मिलाकर जो आज 45 नए मरीज आए हैं इनको मिलाकर राजधानी भोपाल में यह आंकड़ा 900 के करीब पहुंच जाएगा और यदि ऐसे ही हालात बने रहे तो यह जल्द ही 1000 में तब्दील भी हो सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां से सबसे बड़ी बात है जो हॉटस्पॉट इलाका है जहांगीराबाद इलाका, वहां से 46 मरीज मिले हैं और साकेत नगर में एक ही परिवार के 4 लोगों पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कल प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ एक बार मुखातिब होते हैं, 5वीं मरतबा मुखातिब होते हैं और तीसरे चरण के लॉकडाउन को लेकर चर्चा करते हैं और इस बात का भी जिक्र करते हैं कि लॉकडाउन 4.0 भी शुरू होगा। जिस तरह से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, क्या लग रहा है किस तरह से ये जो लॉकडाउन 4 स्टार्ट होगा अब वो किस तरह से रहेगा? बिल्कुल रश्क, मैं आपको बता दूं कि संकेतों में ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह कर दिया था देश की जनता को कि अब लॉकडाउन का 4th फेज भी लागू किया जाएगा जहां पर लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं पर ये 4th फेज में नए नियमों के साथ में लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। बहुत सारी चीजों में रियायतें मिल सकती हैं, प्रदेशों में और देश में भी बहुत सारी रियायतें मिल सकती हैं, छूट मिल सकती है जिसमें बहुत सारी जनता की जो आर्थिक स्थिति है वह अपना काम भी कर सकेंगे, बहुत सारी फैक्ट्रियां खोल सकेंगे। तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकेतों में यह बोल भी दिया है कि कोरोना से बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। तो साफ तौर से संकेतों से साफ तौर से जाहिर होता है कि जो 4th लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन का 4th फेज होगा, उस पर बहुत सारी रियायतें दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।